वेल गाइज, आज के समय में अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं और आपका लोन एप्लीकेशन जो है बार बार रिजेक्ट हो जा रही है, तो यहाँ पे जो है आप पॉलिसी बाजार से लोन ले सकते हो, क्योंकि पॉलिसी बाजार के अंदर जो है लगभग 20 एप्लीकेशन जो है इसके साथ टाई अप किए हैं। और यहाँ पे पॉलिसी बाजार के अंदर आप लोन अप्लाई करते हो तो 100% जो है किसी ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू जो है आपको लोन मिल ही जाती है। आज के समय में अगर आप 10,000, 5,000, 2,000 लोन अप्लाई करने जाते हो, आप लोन अप्लाई करते हो, लास्ट प्रोसेस तक जाते हो और आपका लोन जो है रिजेक्ट हो जाती है। और वहां पे आपका ये नुकसान हो जाता है कि अगर आपका सिबिल थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहता है, मान लीजिए एवरेज आपका सिबिल है, आप लोन अप्लाई कर रहे हो और आपका लोन बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि आपका सिबिल जो है थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है। मतलब सिबिल पे इंक्वायरी लग जाता है कि आप लोन अप्लाई किए थे, किसी कारणवश जो है आपका लोन नहीं मिला। अब उसके साथ साथ आप किसी अच्छे एप्लीकेशन में भी लोन अप्लाई करने जाते हो तो वहां पे जो है आप सबको लोन नहीं मिलता है। तो ये चीज जो है आप सबको गलती नहीं करना है। यहां पे हम आप सबको अच्छा एक सॉल्यूशन बताने वाले हैं जिसके थ्रू जो है आप किसी भी लोन एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करोगे तो 100% जो है आपका लोन अप्रूव हो जाएगी। पॉलिसी बाजार के अंदर लोन अप्लाई करने का तरीका काफी सिंपल दिया गया है। मात्र वहां पे जो है आप सबको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना होता है, उसी के बेस पे कोई अन्य एप्लीकेशन जैसे कि क्रेडिट भी हो जाता है, ना भी हो जाता है, या मनी भी हो जाता है, या ट्रू बैलेंस हो जाता है, यानी कि किसी भी एप्लीकेशन के पास पॉलिसी बाजार के थ्रू आपका डिटेल्स पहुंचता है, तो वहां पे आपका डिटेल्स चेक किया जाता है और उस डिटेल्स के बेस पे जितना भी लोन मिलने वाला होता है, जैसे कि 500, 1000, 2000, 10000, 20000, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहां पे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप एक एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करते हो और आपका इंफॉर्मेशन जो है सारे लोन एप्लीकेशन के पास पहुंच जाते हैं और वहां पे जो एप्लीकेशन के पास आपका डिटेल्स अच्छा लगता है वो आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि पॉलिसी बाजार के अंदर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। पॉलिसी बाजार के अंदर दो टाइप का पर्सन लोन अप्लाई कर सकते हैं, पहला जो है सेल्फ एम्प्लॉयड और दूसरा सैलरीड। और इसका इंटरेस्ट रेट चार्जेस के बारे में बात करें तो ये आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा, लाइव हम आप सबको वहां पे लोन लेकर दिखा देंगे। पॉलिसी बाजार का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्ले स्टोर पे जो है इसको विजिट कर सकते हैं। यहां पे आपको पॉलिसी बाजार कंपेयर बाय का ऑप्शन मिल जाएगा। पॉलिसी बाजार का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया या आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो। पॉलिसी बाजार आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होगा, यहां पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। अब यहां पे आपको जो है अलाउ कर देना है। अब अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो फाइनली यहाँ पे आप ओके करके आगे बढ़ते हो। अब यहाँ पे आपको जो है व्हाट्सअप या मोबाइल नंबर, यानी कि दो तरीके से आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना पर्सनल यहाँ पे फिल करेंगे, ओटीपी डालकर सबमिट कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ओटीपी आ गया है, ओटीपी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड हो जाती है। उसके बाद आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे काफी लोग गलती कर देते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे लोन अप्लाई कैसे करना होता है। तो फाइनली यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले जो है आप सबको फर्स्ट नेम फिल करना है। अब जिनका पैन कार्ड आप देने वाले हो, जिनका आधार कार्ड देने वाले हो, उन्हीं का डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, नीचे जो है आप सबको अपना मिडिल नेम फिल करना है और लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे एरो का बटन मिलता है, यहाँ पे क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करते हो, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, जो भी है आपको यहाँ पे टिक करना है। मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्रेडिट कार्ड, मतलब इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस होती है वो सारे देखने को मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, माइक्रो लोन ले सकते हो, बिजनेस लोन ले सकते हो, उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांसफर लोन ले सकते हो, मतलब हर टाइप का लोन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे अपना कार का इंश्योरेंस, बाइक का इंश्योरेंस, ये सारा चीज जो है पैसा बाजार के अंदर कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हम पर्सनल लोन अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम पर्सनल लोन पे जो है टिक करेंगे। फाइनली हम पर्सनल लोन पर टैप करते हैं, उसके बाद हमारे सामने जो है कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे सेलेक्ट एम्प्लॉयड टाइप, स्टार्ट योर लोन प्रोसेस। अब यहाँ पे आपका लोन प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको चूज करना है कि आप सैलरीड पर्सन है, मतलब यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते होंगे तो यहाँ पे सैलरीड चूज करेंगे। अगर आपका खुद का बिजनेस होगा या आप ट्रेड करते होंगे, घर पे ही कोई वर्क करते होंगे, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो है हम सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर लेते हैं। और फाइनली जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है कि आप जो है कितना रुपया लोन लेना है। यहाँ पे आपको लोन अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है, 2 लाख से नीचे लेना है या 2 लाख से ऊपर लेना है, यहाँ पे जो है 5 लाख से ऊपर लेना है, आपको यहाँ पे लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 2 लाख रुपया लोन चाहते हैं, 2 लाख रुपया पे हम टिक करेंगे, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है ग्रेस इनकम टर्नओवर, मतलब साल का कितना रुपया आप अर्न कर लेते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हो 5 लाख से नीचे, 5 लाख से ऊपर, तो यहाँ पे हम 5 लाख से ऊपर कमाते हैं, 5 लाख से ऊपर सेलेक्ट करेंगे। उसके
बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जाता है करंट बिजनेस सिटी, मतलब किस सिटी में आप रह रहे हो। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो है आप सबको दिल्ली का ऑप्शन मिलता है, मुंबई का, पुणे का, बेंगलोर का, चेन्नई का, हैदराबाद का, कोलकाता का। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है आप बिहार से होंगे या पंजाब से होंगे या दूसरे स्टेट से होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे जो है आप सबको व्यू ऑल सिटीज दिया गया, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आप सबको सारा स्टेट यहाँ पे दिख जाएगा। आपको अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप देखोगे ईयर एंड करंट बिजनेस, मतलब यहाँ पे आपको अपना जो बिजनेस कर रहे हैं वो आपको बताना है कि आप कितने साल से अपना बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे एक साल से नीचे के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, दो साल से ऊपर यहाँ पे, तीन साल से ऊपर यहाँ पे। तो फाइनली यहाँ पे जब हम एक साल से लेकर दो साल तक टिक कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है सेलेक्ट योर रीजन टू अप्लाई फॉर दिस लोन, मतलब किस लिए जो है आप यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल एक्सपेंशन दिया गया है, यहाँ पे परचेस स्टॉक दिया गया, बाई अपग्रेड दिया गया। यहाँ पे आपको बताना कि किस चीज के लिए आप लोन लेने वाले हो। तो यहाँ पे जो है आप कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मार्केटिंग एक्सपेंशन हम सिलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है बिजनेस डिटेल्स मांगा जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना कंपनी का नाम सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जो है नेचुरल ऑफ बिजनेस, मतलब कंपनी के अंदर आप किस टाइप का जॉब करते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो फाइनली यहाँ पे जो है कंपनी को आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीशिप इंडिविजुअल दिया गया है, यहाँ पे जो है पार्टनरशिप फर्म्स दिया गया और यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप दिया गया। तो यहाँ पे आपको अपना कंपनी नेम सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कंपनी नेम सिलेक्ट नहीं मिलता तो यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीशिप इंडिविजुअल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप जो जिस कंपनी में जॉब करते हैं वो कंपनी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेचर ऑफ बिजनेस में हम क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हम सबको तीन ऑप्शंस मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद ट्रेडर, उसके बाद यहाँ पे रिटेल ऑप्शंस मिलता है। तो यहाँ पे हम रिटेलर सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे जो है कंटिन्यू का बटन मिलता है, कंटिन्यू पे क्लिक कर आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाता है इंडस्ट्री टाइप, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि किस टाइप का इंडस्ट्री में आप जॉब करते हो। यहाँ पे एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल है, सीमेंट है, वगैरह वगैरह सारा चीज का नाम यहाँ पे आता है। तो आपको यहाँ पे अपना इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। और फाइनली जैसे ही आप आगे बढ़ती है, यहाँ पे जो है ऑनरशिप रेसिडेंटल पूछा जाता है, मतलब जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका खुद का घर है या रेंट पर रहते हैं या अपने फैमिली मेंबर के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, रेसिडेंटल टाइप जैसे ही सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिक्वेस्ट लोन अमाउंट जो है यहाँ पे 2 लाख बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पे 2 लाख रुपए हम लोन अप्लाई किए थे जो कि यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। हम जो है 3 साल के लिए यहाँ पे टर्नल दिखा रहा है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 1.2% बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पे मंथली के हिसाब से हमारा जो है 1.2% का इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। उसके अलावा जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है 4,000 रुपये माइनस किया जाएगा। हमारा टोटल ईएमआई जो है यहाँ पे 5,643 रुपया आने वाला है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख रुपये हम लोन रहे हैं 3 साल के लिए, तो हमारा ईएमआई जो है यहाँ पे कितना अच्छा खासा बढ़िया मिल जा रहा है। अब यहाँ पे जो है आपके साथ यही होगा, अगर आपका सिविल थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक होता है तो आप पॉलिसी बाजार के अंदर लोन अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी कंपनी होती है, लगभग 20 कंपनी से ऊपर जो है टाई अप किए हैं, वो कोई ना कोई कंपनी आपको यहाँ पे लोन ऑफर कर दिया होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिसी बाजार के अंदर हम लोन अप्लाई किए थे, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट बिल लोन अप्लाई जो है हमको यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर रही है। तो सेम गाइस आपके साथ भी यही होने वाला है। तो फाइनली इस लोन को लेने के लिए जो है यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे नाम फिल करेंगे, पैन कार्ड का नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया गया, मेरिटल स्टेटस यानी कि सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मंथली इनकम दिया गया, मंथली इनकम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर जो है हम आगे बढ़ जाएंगे। अब फाइनली यहाँ पे जो है आप सबको अपना केवाईसी कंप्लीट करना है, जो कि यहाँ पे मेरी पहचान की तरफ से जो है आपको अपना आधार वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे आप सबको अपना कंप्लीट आधार नंबर फिल करना है, उसके बाद जो है इस कैप्चा को जो है यहां पे फिल करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज जाएगी, ओटीपी डालकर यहाँ पे सबमिट करेंगे, आपका आधार यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद जो है आप सबको आगे कोई प्रोसेस नहीं करना होता है, केवाईसी आपका कंप्लीट हो जाता है। अकाउंट नंबर आपसे मांगा जाता है, अकाउंट नंबर आपको फिल करना है, उसके बाद इस पैसे को जो है आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। देखिए पैसा ट्रांसफर करने में जो है कुछ समय लगती है, आपको यहाँ पे 24 घंटा से लेकर 48 घंटा तक वेट करना पड़ सकता है। तो फाइनली यहाँ पे वेट करने के बाद आपका लोन कन्फर्म हो जाती है। लोन कन्फर्म होने के बाद खटाक से उस पैसे को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सबको क्लियरली देखने को मिल गया होगा कि पॉलिसी बाजार के अंदर कैसे लोन अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हमारे देखने से जो है आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा अगर आप सही तरीका से सही वीडियो देखकर लोन अप्लाई करते हैं तब। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बेस्ट नेट। बाय बाय, टेक केयर।